नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश और स्वागत है आपका आज के एक और सेम पिंच वाले वीडियो में। क्योंकि व्हाइट ट्रक लेके आया हूं, व्हाइट में पहन के आया हूं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। कौन सा यह ट्रक रहने वाला है? SML का सरताज 5552, जो कि GS वाले केबिन में आ जाता है, मतलब ग्लोबल सीरीज वाले केबिन में ये चीज आप लोगों को मिल जाती है। वैसे मेरे हिसाब से यार SML में जो प्रेस्टीज मॉडल्स हैं उनको छोड़ के और सारा भाई GS वाला मॉडल्स मिल जाने वाले हैं आप लोगों को। तो ये है भाई SML का सरताज 5552। अब ये कौन से सेगमेंट में आता है? द 4.9 वाला सेगमेंट, मतलब 4990 किलोग्राम वाले ग्रॉस वेट के सेगमेंट में ये आ जाता है। वही 2515 mm की व्हील बेस ये कैरी कर लेता है और चार टायर का कॉन्फिगरेशन में है ही, तो हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्फिगरेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। 10 फुट वाली हाई डेक बॉडी ये रहने वाली है। तो इंजन की बात कर लेते हैं। वैसे SML का नाम लेते हैं, इंजन तो सेम आता है बट उसकी पावर वगैरह चेंज आ जाती है। जैसे 3455 cc का इसमें इंजन आपको इंजन देखने को मिल जाने वाला, 102 PS की पावर, 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 310 mm की इसमें आप लोगों को क्लच देखने को मिल जाएगी। अब क्लच क्या करती है? इंजन को ट्रांसमिशन से जोड़ती है, आपको भी पता है। तो ट्रांसमिशन कौन सा इसमें देखने को मिल जाएगा? आप लोगों को 5 forward 1 reverse फुली सिंक्रोमाइज वाला ट्रांसमिशन देखने को मिल जाने वाला है ही। वहीं तो 716 वाले LT टायर्स मिल जाएंगे जो कि 14 PR रेटिंग सपोर्ट कर देते हैं। चार टायर्स का कॉन्फिगरेशन है, सेमी एलिप्टिकल विथ मल्टी रीफ स्प्रिंग्स का सस्पेंशन इसमें देखने को मिल जाएगा। अब कैबिन है, आगे से कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कैबिन के नीचे इंजन है, तो टिल्टिंग का ऑप्शन भी आप लोगों को मैनुअल वाला देखने को मिल जाने वाला है ही। तो एक्सप्लोर करते हैं इसको पास से। तो ये रहा भाई अपने वाला जो 4.9 का किंग रहने वाला है, मेरे को तो रहने वाला लग रहा है क्योंकि भाई इसकी बनावट देखो, इसके कंपटीशन में ऐसी बनावट तो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्टार्ट कर लेते हैं इसकी की से, तो धूप में दिखाते हैं इसकी की। की आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी SML की ब्रांडिंग के साथ में, दोनों तरफ से दिखा देता हूँ। एक और की मिलेगी और डेफ वाली आप लोगों को कुछ ऐसा कॉन्फिगरेशन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट एक्सप्लोरेशन पार्ट शुरू करते हैं। तो ऊपर मिलती है आपको SML स्वराज माजदा लिमिटेड की ब्रांडिंग और उसके साथ में सरताज की ब्रांडिंग। ये पियानो फिनिश में आ जाता है, वाइपर्स का कॉन्फिगरेशन मिल ही जाता है। ये चीज़ें कुछ कुछ SML में स्टैंडर्ड रहने वाली है। तो फ्रंट में कुछ ऐसी आप लोगों को ग्रिल देखने को मिलेगी, तो ये कुछ ग्रिल फ्रंट वाली ऐसे देखने को मिल जाएगी। और हॉर्न की प्लेसमेंट तो आप लोगों को पता ही है, लाइसेंस प्लेट के पीछे रहने वाली है। उसके साथ में टोको की प्लेसमेंट और एक ये स्पेयर प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और मेटल की बात करें तो बम्फर आपको मेटल में मिल जाएगा। और साइड से बात करें तो इधर से कर लेते हैं, धूप तो आ रही है पर बात तो करनी ही है। तो बाई बीम हेडलैम्प्स का कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा, साइड में पार्किंग लैंप्स का मिल जाएगा और इंडिकेटर्स का कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा रहने वाला है। और तो कुछ ORVMs का सिंगल पीस में कॉन्फिगरेशन आपको ऐसा मिलने वाला है। वैसे नीचे GS सीरीज के कैबिन में ये चीज़ आ जाती है कि देखो कट इतना नीचे आ रखा है। और टायर्स की मैंने बात बता ही दी कि आप लोगों को 716 वाले LT टायर्स मिले हैं जो कि 14 PR रेटिंग्स में आते हैं, लोड सपोर्ट कर ही देंगे। स्टेपर्स का कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा मिलने वाला है। सस्पेंशन भी मैंने बता दिया, सेमी एलिप्टिकल विथ मल्टी लीफ स्प्रिंग्स का रहने वाला है। और उसी के साथ में एयरबॉक्स की प्लेसमेंट आपको ऐसे देखने को मिलेगी। रेस्ट्रिक्शन गेजेस वगैरह सब मिल जाने वाला है। स्नॉर्कल कैबिन के जस्ट पीछे मिल ही जाएगा। और 70 लीटर का फ्यूल टैंक जो कि मेटल में रहने वाला है और 15 लीटर का डेफ टैंक देखने को मिल जाएगा। ये कैपेसिटीज़ हैं दोनों को प्रोटेक्शन के लिए। साइड प्रोटेक्शन गार्ड्स भी मिल जाने वाले हैं। और रियर की बात करें तो आप लोगों को फ्लोटिंग एक्सल देखने को मिलने वाली है। सस्पेंशन कुछ ऐसा रहेगा लीफ स्प्रिंग्स वाला। अब एक्सल भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा रीजन वाला बीच में आएगा। तो एक्सल कुछ ऐसे रहने वाली है इसके अंदर। और साइड से आ जाते हैं तो आप लोगों को एक मार्कर लाइट का कॉन्फिगरेशन जो कि LED में रहने वाला है। और दूसरी बात इंडिकेटर्स का कॉन्फिगरेशन फेंडर वॉल पे माउंटेड मिल जाएगा। और पीछे बात करें तो हाई मार्कर लाइट्स का कुछ कॉन्फिगरेशन नहीं देखने को मिलने वाला। पीछे डाले पे SML की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, कॉर्क स्टॉपर्स मिल जाएंगे और उसी के साथ में लॉक अनलॉक वाले का ये देखने को मिल जाएगा। इससे पेन डैमेज नहीं होगा और स्प्रिंग लोडेड है तो देख लो ये फ़ायदा मिलेगा, इतनी आसानी से ये खुल जाएगा। रोप टाइंग पॉइंट मिल जाएंगे, पीछे आप लोगों को चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। टेल लैंप्स का कॉन्फिगरेशन आप लोगों को हेलोजन में ही मिलने वाला है। और एग्जॉस्ट यहाँ तक पीछे निकाल के दिया भाई, ये अच्छी बात है। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट एकदम रियर में मिलेगी और उसी के साथ में डार्ट ही यहाँ पे टंगी हुई मिल ही जाने वाली है। SML की ये सिग्नेचर चीज़ें हैं ही, आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। साइड से प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलने वाली है, उसी के साथ में रियल जो हब एक्सल होती है, जो हब होता है एक्सल का, वो कुछ ऐसा कॉन्फिगरेशन में देखने को मिलने वाला है। और इस पर जितने भी नंबर्स लिखे हैं सब पढ़ लेना। 7 वाले टायर्स हैं, 716 LT टायर्स। चेसिस कुछ ऐसा रहने वाला है और 12 वोल्ट का बैटरी सिस्टम मिल जाएगा। इसमें मास्टर कटआउट भी आप लोगों को बाहर देखने को मिलने वाली है। ये रही मास्टर कटआउट।
और ये रहा फ्रंट सस्पेंशन। केबल शिफ्ट में गियरबॉक्स मिल जाता है, फुल्ली सिंक्रोनस रहने वाला है। फ्लीट गार्ड का आप लोगों को ब्रीदर मिल जाएगा, फ्यूल फिल्टर देखने को मिलने वाला है। कैबिन मैनुअल टिल्टिंग मिलेगा ही, देखो यहाँ से मैनुअल टिल्ट हो जाएगा। और अभी एक पैसेंजर प्रोस्पेक्टिव भी दे देते हैं, वो पैसेंजर साइड से क्या कुछ रहने वाला है। डोर्स का कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है, एक ग्रैब हैंडल, दो ग्रैब हैंडल और थर्ड ग्रैब हैंडल रह जाएगा। वॉशर फ्लूड की जगह भी इधर ही मिल जाएगी यहाँ पे, और ये एक फील रहेगा अंदर के लिए। और बढ़िया बात, वो तो बन जाएगी अपनी ट्रे, और ये बन जाएगी अपनी सीट की ट्रे। उसके पीछे जैक वगैरह मिल जाने वाले हैं ही। सरताज बावन बावन की भाई सिटिंग का फर्ड ना बताए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ग्रैब हैंडल पकड़ के आ जाते हैं अंदर। टू स्पोक वाला स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, और भाई बढ़िया कंफर्ट, इसमें बढ़िया फोम वाली सीट मिल जाएगी, एडजस्टेबल है ही। तो अपन एडजस्ट भी करके दिखा देते हैं, इतनी एडजस्ट रिक्लाइन में हो जाएगी, और स्लाइडिंग का कंफर्ट आप लोगों को ये मिलने वाला है ही। ठीक है, और क्या चीज़ें एडजस्ट में मिलनी चाहिए आप लोगों को। हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टेयरिंग रहता है, वहीं हाइड्रोलिक वाला क्लच देखने को मिल जाता है, और ये आप लोगों को 5-speed वाला मैनुअल गियरबॉक्स जो कि केबल शिफ्टेड है मिल जाएगा। हैंडब्रेक की प्लेसमेंट मिल जाएगी, कप होल्डर्स मिल जाएंगे, और अगर आप लोगों को ट्रे चाहिए तो आप लोग ट्रे भी बना सकते हो इस सीट को फोल्ड करके। और मेरे को एक ये फील आ रही है कि आप इस सीट को फोल्ड करके आप बेड भी बना सकते हो इसको, पूरा हैंडब्रेक को नीचे कर देना, गाड़ी को गियर में लगा के छोड़ देना, और क्या चाहिए। अब आप लोगों को चाहिए इसको अंडर से एक्सप्लोर करवाना, 5-11 हाइट है, उस हिसाब से हेडरूम मिल जाएगा। तो ये वो SML वाला स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा, हॉर्न पैड ये मिलने वाला है ही, हॉर्न भी ऐसा बच जाएगा, और ये अपना मीटर मिलने वाला है। चलो ये भी दिखा देता हूँ, सारे क्रिसमस लाइट फंक्शंस वगैरह मिल जाएंगे। दोनों साइड में ये बार्स खाली है क्योंकि ये हाइड्रोलिक ब्रेक सपोर्ट कर देता है, और वहीं आप लोगों को मीटर्स में ये सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। ग्यारह पॉइंट सात आठ का एवरेज दिखा रखा है, ऑलमोस्ट ये 11+ ही एवरेज निकालता रहता है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, 12.4 वोल्ट की बैटरी वोल्टेज वगैरह सब देखने को इसमें मिल जाती है। आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ में ये ट्रक आप लोगों को मिल जाता है। इको पावर दो मोड्स में ये आ जाता है। यहाँ पर डेड स्विच है, हेडलाइट लाइट का स्विच यहाँ पे है, एग्जॉस्ट ब्रेक, ऑल फोर इंडिकेटर्स, मतलब हैजार्ड लैंप और वाइपर के कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वाइपर में आप लोगों को ये सारी सेटिंग्स मिलेंगी, और यहाँ पे आप लोग हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे इंडिकेटर के साथ में। हॉर्न बहुत बज जाएगा इंडिकेटर्स के साथ में, वैसे पास लैंप भी मिल जाएगा। यहाँ से सारे कंट्रोल्स खाली है, तो चलते हैं अभी वीडियो को एंडिंग की तरफ। तो वीडियो को एंडिंग की बारी आ चुकी है, ड्राइवर से उतर के नहीं आएंगे, मैं पहले ही आ चुका हूँ बाहर। तो ये है अपना सरताज बावन बावन। अब सरताज बावन बावन क्या है भाई, देखो बावन बावन थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है, ऑलमोस्ट अगर राउंड फिगर में अपन बात करना चाहें तो 5200 किलोग्राम का GVW स्ट्रक में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। वहीं जो एक्चुअल में है तो 4990 किलोग्राम से लेके ये GVW सपोर्ट कर देता है। चार टायर के कॉन्फ़िगरेशन में आता है, SLT6 3455 cc वाला, इसके अंदर आप लोगों को डीजल टर्बोचार्ज इंटरकूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 102 bhp की पावर, 360 न्यूटन का टॉर्क निकाल के प्रोवाइड करवा देती है आप लोगों को, आप लोगों के इस लोड कैरिज पैटर्न के अंदर। अब इस गेट को कर देते हैं बंद, क्योंकि अब बारी आ चुकी है लोड बॉडी की बात करने के लिए। तो 10 फुट की लंबाई में ये लोड बॉडी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। हाई साइड डेक मिल जाता है, लोड साइड डेक मिल जाता है, फिक्स डेक वाली मिल जाती है, ओपनेबल डेक्स वाली मिल जाती है। ये केबिन बॉडी चेसिस में भी आ जाता है, केबिन लोड बॉडी में भी ये आप लोगों को प्रोवाइड हो जाता है। 6.1 फुट की चौड़ाई के साथ ये आ जाती है। 2515 mm की व्हील बेस में ये गाड़ी आप लोगों को मिलती है। तो भाई कम व्हील बेस होने का एक फायदा मिल जाता है आप लोगों को, वो क्या मिलता है, इसकी जो टर्निंग सर्किल रेडियस है वो कम रहने वाली है अपने और कंपटीशन के साथ से, और आप लोगों को बेटर फ्यूल माइलेज मिलेगा। उसी के साथ में आप लोगों को एक और ब्रांड एसओपी मिलेगी, मतलब इसमें भी वही 3455 सीसी वाला इंजन आ रखा है, और भी जो गाड़ियां आती हैं उनमें भी यही इंजन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो अब स्पेयर पार्ट सोर्स करने के लिए कम्फर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, मतलब इजिली पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे इस गाड़ी के आप लोगों के लिए। और क्या चीज़ चाहिए आप लोगों को, और क्या क्या चीज़ें चाहिए आप लोगों को, गाड़ी कहाँ खड़ी है, तेज मोटर्स पे गाड़ी खड़ी है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। 13,71,000 रुपये से लेके आप लोगों को 14,39,000 तक की एक्सशोरूम प्राइस इस ट्रक की देखने को मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स, मतलब बाकी जो डील्स लेनी है आप लोगों को और ऑफर्स लेने हैं उसके लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उठा लेना, बात कर लेना, रेफरेंस दे दोगे तो और अच्छी डील्स में आप लोगों को मिल जाएंगी कि भाई देवांश भाई के अपने चैनल पर वीडियो देख के आप लोगों के पास आए हैं, तो और भी अच्छी आप लोगों को डील्स क्रैक हो सकती है।
तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या करके जाना, लाइक कर जाना, शेयर कर जाना इस वीडियो को जो भी इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है उनके साथ में, और जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ में तो करना है ही शेयर। कमेंट सेक्शन में बता देना ये ट्रक आप लोगों को कैसा लगा और कौन से ट्रक्स और बसेस की आप लोगों को वीडियोस देखनी है। गाड़ियों के भी बनाता हूँ, बाइक्स के भी बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।